हेलो बच्चों, नमस्कार। चलो तो आज हमें एम एल अग्रवाल के क्वेश्चन करने थे, यही बात हुई थी। तो हम आज एम एल अग्रवाल के सेकंड चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कुछ ही करा रहा हूँ, ठीक है? जो बिल्कुल सिलेक्टेड है, कई बार आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और वो देखना शुरू करो, ठीक है? काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार जो आए हैं, जो रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ, और जो मुझे लगते हैं कि हाँ भाई ये भी आ सकते हैं, उस सारे क्वेश्चन मैं देखूंगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूले तो आपको लगभग सारे याद होंगे, ठीक है? तो एक एक करके क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं, ठीक? चलिए पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाता हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम से बर्डन ना लगे, ठीक है? ताकि आपको लगा रहे कि हाँ भाई ये कंटेंट ज्यादा टफ नहीं है, ठीक भाई? चलिए ये देखिए, देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये सीबीएसई 2013 में आया है बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन साइन टू साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 3/5, कह रहा सॉल्व करके दिखाओ, कह रहा है सॉल्व करके दिखाओ। तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। अरे सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चों ये साइन इनवर्स 3/5 को मैं एक्स मान लूं, तो क्या ये साइन 2x नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। और साइन 2x का फॉर्मूला हमें 11th क्लास में पढ़ा है कि 2 sin x cos x होता है। तो ठीक है भाई, हम ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं, लेट करते हैं साइन इनवर्स 3/5 को किसके बराबर, x के। साइन उठा के वहां ले जाओ, साइन x बराबर 3/5। अच्छा अब जब मेरे पास साइन x आ गया, ठीक है, अगर मेरे पास साइन x आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ साइन 2, भाई ये पूरा किसके बराबर माना है, एक्स के, तो साइन 2x। अब मैं इस साइन 2x को अगर खोलूंगा तो 2 sin x cos x बनेगा, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, बनेगा ना? अच्छा अब मेरे पास अगर साइन x की वैल्यू है, तो क्या मैं cos x की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकलती है बच्चों cos x की वैल्यू, जल्दी बता दो मुझे, अंडर रूट 1 - sin²x। शायद मुझे इससे आगे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ये बताइए आपको, 1 - sin²x मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व करोगे 16/25 और बाहर निकलेगा 4/5, ठीक है? तो चलिए 2 sin x, हाँ जी जल्दी बोलेंगे जरा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू 3/5, ठीक है, और कॉस एक्स की वैल्यू 4/5, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भाई इस पूरे की वैल्यू क्या है। तो ठीक है भाई सॉल्व कर दो, इस पूरे की वैल्यू क्या है सॉल्व कर दो, 4 × 8 = 24 और 5 × 25, भाई ये वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू ये है, ये है इसकी वैल्यू, खत्म। कुछ था नहीं, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, चलो ये करके दिखाना मेरे को, ये वाला करके दिखाओ। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट यार, एक मिनट, कॉस नहीं है, एक मिनट, गलती हो गई। क्वेश्चन लिखा है साइन, ठीक है, 2 cos inverse माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, इसको सॉल्व करो। चलो वीडियो पॉज करो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखा दो फटाफट। हो गया भाई, देखो, चलो मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। हाँ अरे फिर से देखो यार, साइन अभी भी बाहर है, यहाँ 2 है, इसको एक्स मान लो तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट कर लो, क्या कॉस इनवर्स माइनस 3/5 = x, कॉस को मान ले जाओ, कॉस एक्स बराबर माइनस का 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक बताओ, अगर मैं इसको एक्स के बराबर लेट कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, साइन 2, और ये पूरा तो क्या बन गया x, तो साइन 2x, खोलोगे 2 sin x cos x, हाँ कि ना, बन गया। अब cos x तो मेरे पास है, साइन x की वैल्यू निकालनी है, सो नाउ, हाँ भाई साइन x की वैल्यू कैसे निकलती है,
अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। सॉल्व करेंगे 16/25 बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा जल्दी बताओ, बनेगा 4/5। साइन एक्स की वैल्यू आ गई ना, बस इसमें पुट कर दो, खत्म कहानी। नाउ साइन 2x, 2 साइन एक्स 4/5, कॉस एक्स माइनस का 3/5। आंसर 4 × 8 किया माइनस का 24/25 आंसर है। इसका आंसर क्या है, माइनस का 24/25। तो देख लो को सेम क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ठीक है। अब एक दे रहा हूं क्वेश्चन, वो करके दिखाना मुझे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करके दिखाना। साइन 2 कॉट इनवर्स और माइनस का 5/12 कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना, फिर से कॉट वाले को एक्स मानना, कॉट से क्या निकाल दोगे जल्दी बताओ, कॉट से टेन, कॉट से जो कॉट से कॉसेक निकाल लो, ठीक है, और कॉसेक से फिर साइन बन जाएगा अपने आप, साइन से कॉस निकाल लेना, जैसे भी है। नहीं आई बात समझ में, पहले कॉट है, कॉट का उल्टा करोगे टेन आ जाएगा, आइडेंटिटी निकाल के सेक आ जाएगा, ठीक है, सेक का फिर उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और जब कॉस आ गया तब तो साइन आप निकाल ही लोगे। तो बहुत तरीके हैं, ये करके दिखाना मुझे, ये खुद करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। चलो एक और एक देता हूँ और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये करना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2013 में ही आया था, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसको डाल लो पहले। हर लेवल के क्वेश्चन ले लूंगा मैं, ठीक है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन हर लेवल का ले लूंगा, आप सॉल्व करो, बाकी डाउट भेजो, करेंगे डाउट सॉल्व, ठीक है। चलो जैसे ये देखो, ये सीबीएसई 2013 में आया था ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, टेन 1/2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। अब इसने बोला क्या करो भाई, इवेल्युएट करो, इसने क्या बोला, इवेल्युएट करो, ठीक है। चलो अब तक हम क्या देख रहे थे, अब तक हम देख रहे थे कि यहां पर 2 हुआ करता था ऊपर, लेकिन अब 2 कहां पर है, नीचे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें भाई, तो हम करते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या कि ये बनेगा, देखो क्या, आप ना अब इस पूरी सिचुएशन को एक्स मानो, अब क्या मानो, पूरी सिचुएशन को एक्स मानो। रीजन, क्योंकि पहले ऊपर की तरफ 2 लग रहा था तो हम फॉर्मूला बना पा रहे थे, लेकिन भाई अब तो ऊपर की तरफ 2 नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं बना पाएंगे फॉर्मूला, और फिर टेन भी आ रहा तो अलग ही चीज है, क्योंकि बाहर तो पहले साइन हुआ करता था, तो फॉर्मूला बनेगा नहीं। तो एक काम करो, ये 2 यहां डिवाइड कर रहा, वहां जाके क्या करेगा जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई, ठीक, साइन इनवर्स वहां जाके क्या बनेगा, साइन 2x, और बराबर क्या बन गया, 3/5, हाँ कि ना। लेकिन क्या मुझे साइन से कोई भी लेना देना है, नहीं, मुझे किससे मतलब है भाई, मुझे टेन से मतलब है। तो चलो नाउ अब एक काम करते हैं भाई, साइन 2x जो होता है क्या वो इसके बराबर होता है, 2 tan x अपॉन में 1 + tan²x, हाँ कि ना, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। साइन 2x की वैल्यू कितनी है, 3/5, 2 tan x अपॉन 1 + tan²x। सॉल्व कर दो, 3 + 3 tan²x, इसको इससे कर दो, 5 × 10 tan x, सॉल्व करो, 3 tan²x उठा के इधर ले आओ, माइनस का 10 tan x और ये प्लस का 3 = 0, ठीक है भाई, फैक्टर बनाना है, 3 × 3 = 9, 9 और 1 का फैक्टर बनेगा, ठीक है, तो 3 tan²x माइनस 9 tan x माइनस का 1 tan x, ठीक है, और प्लस 3 = 0, क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बोलो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा क्या, 10x - 3, सही बात है, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, तो क्या बन जाएगा, 10x - 3, 10x - 3 = 0। अब आपको पता ही है, एक बार 10x - 3 को 0 के बराबर, और एक बार इसको ऐसे लिखते हैं ना, अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो अब क्या करेंगे, 10x - 3 को 0 के बराबर, और
थ्री टेन एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर, और टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। अब बताओ मुझे जल्दी, क्या कभी टेन की वैल्यू थ्री हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो यहां पे टेन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय थ्री। कितनी आ जाएगी, वन बाय थ्री। ठीक है भाई, अब देखना, ध्यान से देखना, जो सिखाना चाह रहा हूँ वो समझना। हाँ भाई, अब यहां से टेन को उठा के वहां ले जाओगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन बाय थ्री। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना भाई, ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। सो टेन वन बाय टू साइन इनवर्स 3/5। हाँ भाई, अब जल्दी बताओ, इस पूर ये पूरा एक्स के बराबर है और ये पूरा भी एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूँ कि नहीं? तो बस क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/3, टेन से टेन कट गया, 1/3 आंसर हो गया। सिंपल है ना, आसान क्वेश्चन, बस दिखने में लगता है टफ, करने में आसान ही होता है। एक चलो करने के लिए देता हूँ तुम्हें, करके दिखाओ। ये टेन इनवर्स, सॉरी, टेन टेन 1/2 कॉस इनवर्स 5/3, 5/3 ये करो। चलो, उम्मीद करता हूँ ये कर लिया होगा आपने, उतार लिया होगा, नोट कर लिया। तो बच्चों, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन कर लेना, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ दो चार क्वेश्चन और करा देता हूँ, वो देख लो। और हाँ बच्चों, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया, इवेलुएट करो टेन इनवर्स कॉस एक्स 1+sin x। बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया और आपसे बोला गया कि भाई ये करके दिखाओ। अब एक बात ध्यान रखना, इस टाइप की कंडीशन जब भी आपको दिख जाए ना, कॉस एक्स अपॉन 1+sin x, या 1+sin x ऊपर हो, कॉस एक्स नीचे हो, जब भी इस तरह की कंडीशन दिख जाए, बिना सोचे समझे एक ही काम करना है, वो क्या है भाई, हाफ एंगल फॉर्मूले। क्या लगा देना है, हाफ एंगल फॉर्मूले, बेधड़क होके हाफ एंगल फॉर्मूले लगा दो। ये नहीं सोचना है कि यार अब हाफ एंगल फॉर्मूले लगाऊंगा तो कैसे सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा, बस लगा देना, काम खत्म करना है। कैसे करना है देखो, टेन इनवर्स, ये कॉस एक्स है भाई, कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर मान लो कॉस टू एक्स है, तो ये ऐसा बन गया, अगर कॉस एक्स होगा तो क्या बनेगा, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। ठीक है, तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अच्छा, अब ये 1+sin x है, तो 1+sin x को क्या लिख सकते हैं भाई, इस 1 को क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। अच्छा, और मैं इस साइन एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूले के हिसाब से साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं ना? अच्छा, अब देखो, टेन इनवर्स भाई, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो क्या मैं इसको कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल। और ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जैसा लग रहा है, यानी कि कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, सही बात है, स्क्वायर से ये वाला हिस्सा कैंसिल, बचा क्या, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, सही बात है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब आपको पता ही है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टेन बनाते हैं, और टेन कैसे बनता है, जब साइन के नीचे कॉस आता है, तो सबको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय
कॉस एक्स बाय टू, तो डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉस से कॉस कटेगा एक, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बाय टू, कॉस से कॉस कटेगा एक, इसका टेन एक्स बाय टू। लेकिन बच्चों फॉर्मूला तो अभी बनता हो दिख नहीं रहा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीपल में वन। और आपको अच्छे से पता है कि टेन के टाइम पे वन अपने आप को क्या बोलता है, वन अपने आप को टेन पाई बाय फोर बोलता है। क्या बोलता है? टेन पाई बाय फोर। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है ये? टेन ए माइनस टेन बी वन अपॉन में, सॉरी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, किस चीज का फॉर्मूला होता है ये जल्दी बता दो। ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला होता है? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेन से टेन कट गया, आंसर आ गया पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। आंसर कई बार आया हुआ क्वेश्चन, तीन चार बार आया हुआ है क्वेश्चन, नोट करो इसे जल्दी से, नोट करो। और ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना घर से, टेन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। और अब की बार बस यहां पे मैंने वन माइनस लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। आंसर भी यही आएगा, बस बीच में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। और जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये देखो, ये कराता हूं तुम्हें, ये सेम यही चीज बनाएगा, ये कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दिखाता हूं करके देखना, ये भी यही चीज बनाएगा आपके लिए। ठीक है, ये हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी लिखा है ना नीचे सेकंड वाला, हो सकता है इसको करते समय आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो। चलो मैं करा ही देता हूँ इसको, ठीक है ना, ये मैं करा ही देता हूँ। मैं सोच रहा था कि आपको दूंगा, लेकिन चलो मैं ही करा देता हूँ, क्योंकि कॉट आ गया ना तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, ठीक है। अब कॉट आ गया, देखो अब जब कॉट आ चुका है तो कॉट के लिए मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगो में नहीं है, सही बात है। और अगर मैं कॉट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा तो भाई जब कोई चीज हमने कर नहीं रखी हो और जब जबरदस्ती उसके अंदर हाथ डालो तो क्या होता है भाई, मानता हूं आप सही कर दोगे लेकिन टाइम लग सकता है और गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इसलिए काम हमेशा वही करो जिसमें आप परफेक्ट हो। तो भाई हम टेन बनाने में परफेक्ट हैं, कॉट बनाने में परफेक्ट नहीं है, हम टेन बनाएंगे। तो एक काम करो फिलहाल, यहां लेट करो एक्स बराबर टेन थीटा, क्या लेट कर लो x बराबर टेन थीटा, जहां जहां पर है ना पुट करो जरा, यहां पर वन प्लस में टेन थीटा माइनस, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पुट करना ठीक रहेगा, ठीक है रहेगा, एक मिनट एक मिनट, गलती कर रहा हूं यहां पे, ये आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन ये होगा, ये होगा क्वेश्चन, सही कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में गलती है, बिना टेन स्क्वायर के बनेगा ही नहीं ना, अब ठीक है क्वेश्चन सही कर लेना, ठीक है। चलो तो ये क्या बन गया, कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा अब जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ भाई, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के, सही बात है। तो ये बनेगा कॉट इनवर्स, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई नहीं, लेकिन हमें तो कॉट है, कॉट तक पहुंचना पड़ेगा ताकि हम एटलीस्ट टेन का रिजल्ट निकाल सकें। तो क्या मैं इसे वन अपॉन कॉस थीटा और इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, जल्दी बोलो। अब ये क्या है, ये वन माइनस साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मुझे अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं भाई, कि मैं यहां पर कुछ ऐसे टर्म क्रिएट कर देता हूँ, कुछ ऐसे टर्म्स क्रिएट कर देता हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे फॉर्मूले मिलना शुरू हो जाए, मुझे यहाँ पे क्या मिलना शुरू हो जाए, फॉर्मूले मिलना
शुरू हो जाए। और वो फॉर्मूले कैसे मिल सकते हैं भाई मुझे, वो फॉर्मूले कैसे मिल सकते हैं मुझे? देखो, अब मुझे पता है कि भाई ये कॉट है, मुझे पता है ये कॉट है, तो कॉट है तो इसका मतलब ऊपर कॉस होना चाहिए, नीचे साइन होना चाहिए, तभी तो कॉट वाली टर्म बनेगी, हाँ कि ना? अब जब ऐसी सिचुएशन है मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूं, कॉट इनवर्स वन माइनस, अच्छा साइन थीटा को क्या मैं कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि भाई कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा को क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? जल्दी बता दो, लिख सकता हूं ना? क्यों? ताकि मेरे पास, मैं ऐसा क्यों बनाना चाहता हूं, रीजन क्या है? ताकि कॉट बन जाए, क्योंकि कॉट क्या होगा भाई, कॉस अपॉन में साइन, और जबकि रिजल्ट में क्या देख रहे हैं हम, साइन अपॉन में कॉस, तो भाई हम चेंज जब कर सकते हैं तो करो, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, देखो जरा ध्यान से देखना, फॉर्मूले की बारीकी समझना, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है कि नहीं होता, जल्दी बता दो, होता है, ठीक? इसको उठा के यहां पे लेकर आओगे, ये बनेगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको उठा के वहां लेके जाओगे वन माइनस में कॉस टू थीटा, सही बात है, सही बात है कि नहीं, यही बनेगा। अच्छा, अब अगर गौर से देखो तो ये वाला हिस्सा वन माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा ऐसा ही लग रहा देखने में, क्या मैं इसकी जगह पे टू साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, साइन टू थीटा की जगह पे साइन, सॉरी कॉस टू थीटा, भाई टू थीटा की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, टू थीटा की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, पाई बाय टू माइनस थीटा, यही दिखाई दे रहा है ना? अब जब यहां पे आप इसका हाफ करोगे, यहां पे जब इसका हाफ, क्योंकि टू थीटा का हाफ थीटा, इसका हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, हाँ कि ना, जल्दी बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बस हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट इनवर्स, हाँ भाई, वन माइनस कॉस थीटा, कॉस टू थीटा क्या बनेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, टू साइन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, सही बात है। अच्छा, और साइन पाई बाय टू का क्या पुट होगा, टू साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा कॉस पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, थीटा बाय टू, सही बात है कि नहीं, ठीक? अब क्या होगा, टू से टू गया, एक साइन से एक साइन गया, एक साइन से एक साइन गया, बचा क्या, बचा कॉट इनवर्स और साइन और अपॉन में कॉस, तो क्या बन जाएगा, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, हाँ भाई, यही बचा कि नहीं बचा, अरे जल्दी बोलो, यही बचा कि नहीं, ठीक है? अच्छा, अब जब ऐसी सिचुएशन आ गई है, जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है, गौर से देखना, जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आपको तो ये भी पता है ना कि मैं टेन थीटा को क्या कॉट 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, जल्दी बता दो, लिख सकता हूं ना? तो ये बताओ मुझे कि भाई कॉट, हाँ भाई ये टेन है ना, तो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा, तो लो जी कॉट 90 की जगह पे क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे कौन है, ये पूरा, तो माइनस जब करूंगा तो माइनस का पाई बाय फोर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा बाय टू, सही बात है, अरे हाँ कि ना? कॉट से कॉट कट गया भाई, पाई बाय टू होता है 90, पाई बाय फोर होता है 45, 90 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा, 45, मतलब पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू, बस आंसर, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या है थीटा की वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स, तो आंसर आ गया पाई बाय फोर प्लस वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स, आंसर करो, है इजी, है ना इजी, लेकिन बस क्या है, थोड़ा लेंदी है, लेंदी भी क्या है यार, फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, कितने स्टेप हैं, तीन, अगर ये आएगा भी कितना, तीन, दो तीन नंबर में आएगा, दो नंबर में आएगा, चलो दो नंबर में आएगा, तो इतने स्टेप भी नहीं लिखोगे क्या, करो, एक ये क्वेश्चन देखो,
चलो एक ये क्वेश्चन और देख लो, ये नोट कर लिया। एक ये क्वेश्चन देख लो, ये 2015 में भी आया था और भी टाइम आया, उतार लिया ये। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक नंबर वाले, मतलब एक नंबर डिजिट के नहीं, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, अब ये कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखने में लगे कैसा, लेकिन जब करोगे ना नकली सा लगेगा आपको। टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी टेन टेन एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको कॉस इनवर्स, प्रूफ करना है आपको क्या, कॉस इनवर्स ए कॉस एक्स बी प्लस बी, और फिर क्या करना है, ए प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है जी। चलो अच्छा बच्चों, एक बात मेरे को सिंपल से बताना, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूं, मुझे भाई टेन को कहां तक पहुंचाना है, कॉस तक। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए, तो आप अपने आप को कॉस में ले जाने के लिए क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए, तो आप अपने आप को कॉस में ले जाने के लिए, इस कंडीशन को कॉस में ले जाने के लिए क्या कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आप ये कर सकते हो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया धुंधला धुंधला, ये एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि अगर 2 टेन इनवर्स एक्स मिल जाए और आपको कॉस में जाना पड़ जाए तो आप ये करोगे। अगर आपको 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन में जाना हो तो क्या करोगे, आप यहां लेके जाओगे, सही बात है। अगर 2 टेन इनवर्स एक्स को टेन में लेके जाना पड़ जाए तो आप कहां जाओगे, आप कुछ ऐसा कर दोगे, सही बात है कि नहीं। तो अगर याद रखना आपसे कि 2 टेन इनवर्स एक्स टेन मांग रहा है तो यहां पहुंचा दो, 2 टेन इनवर्स एक्स साइन मांग रहा है तो यहां पहुंचा दो, और 2 टेन इनवर्स एक्स कॉस मांग रहा है तो यहां पहुंचा दो। अब देखो, 2 टेन इनवर्स पूरा का पूरा एक्स मान के चलो, देखो पहुंचा कि नहीं पहुंचा कॉस में, बस पहुंचा दो कॉस में। हाँ जी, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा तो एक्स है, करो इसका स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट अपने आप ही हट जाएगा, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, अरे बोलो फुर्ती से। और इसका क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, सेम केस 1 प्लस, हाँ जी इसका भी क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्यों बना, अरे रूट का स्क्वायर तो कट जाएगा ना, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब एक सिंपल सा काम करेंगे हम, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए माइनस बी, इसको खोलो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। कोई क्या गलत बोल रहा हूँ कहीं पे, नहीं ना, और ये ए प्लस बी ऐसा ही रहेगा। अच्छा अब इसको भी खोलो, 1 प्लस ए माइनस बी, इसको भी खोलो, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू ए प्लस बी, और ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, सही बात है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अच्छा इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, और नीचे की नीचे से, इस पूरे की इससे, इस पूरे की इससे, नीचे की नीचे, नीचे वाले सेम हो गए कि नहीं हो गए, अरे बोलो। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। कोई दिक्कत, नीचे की नीचे से ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, फिर इसको इससे ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, इसके इससे ए माइनस, सॉरी प्लस है, ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। कोई दिक्कत, नीचे की नीचे से ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। नीचे वाली पार्टी नीचे वाले से क्या कर गई, लड़ाई करके खत्म, मर गए, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, देखो ये कंडीशन तो, सॉरी ये कंडीशन तो आपको समझ में आई गई होगी, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, आगे की दुनिया क्या कहती है, आगे की दुनिया कहती है कि भाई कॉस इनवर्स, हाँ जी अब देखना ध्यान से देखना, इसमें ए और बी दोनों है, 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 तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक काम करूंगा, ए वाली पार्टी एक तरफ, बी वाली पार्टी एक तरफ, तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मुझे ए कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू
बना के देगा कि नहीं देगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का a साइन स्क्वायर x बाय टू और माइनस माइनस प्लस बी साइन स्क्वायर x बाय टू बना के देगा कि नहीं देगा, जल्दी बोलो। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको भी a कॉस स्क्वायर x बाय टू बना के देगा, b कॉस स्क्वायर x बाय टू बना के देगा, प्लस a साइन स्क्वायर x बाय टू बना के देगा और माइनस का b साइन स्क्वायर x बाय टू बना के देगा, जल्दी बोलो हां कि ना। अब a वाली पार्टी एक तरफ, b वाली पार्टी एक तरफ, कॉस इनवर्स। हां जी, कॉस इनवर्स। हां भाई, a वाले एक साथ ले लो, a कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, b वाले कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर x बाय टू प्लस साइन स्क्वायर x बाय टू, हां कि ना। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी, हाँ भाई a कॉमन ले लो, a कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x बाय टू प्लस साइन स्क्वायर x बाय टू। इसी तरीके से b कॉमन ले लो, इसी तरीके से क्या कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कुछ भी मुझे फालतू समझाने की जरूरत है। अरे भाई, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा है ना। जब टू थीटा था तो सिंगल सिंगल हुए, अकेला होगा तो थीटा बाय टू, थीटा बाय टू, हाँ कि ना। तो देखो, क्या ये वाली फिगर कुछ ऐसी लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है, जल्दी बताओ। तो क्या मैं इसे ए, इस पूरे को कॉस एक्स नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं प्लस, और ये तो दुनिया जानती है कि ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू क्या होता है, वन, फॉर्मूला है। हाँ भाई, ए ये भी क्या बन गया, वन प्लस बी, ये पूरा क्या बन गया, अभी अभी बताया, कॉस एक्स। क्या यही प्रूफ करना था, देखना जरा, ए कॉस एक्स प्लस बी ए प्लस बी कॉस एक्स, यही प्रूफ करना था ना, हैंस प्रूफ्ड है, नकली क्वेश्चन। तो समझ में आ गई, क्या देख के फॉर्मूला लगाना है, नोट करो, लगता है एक क्लास और लेनी पड़ेगी यार, एक क्लास और लेनी ही पड़ेगी मुझे, और अभी क्वेश्चन रह रहे हैं भी अच्छे अच्छे अब ये इतना अच्छा क्वेश्चन रह रहा है, इतना प्यारा क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं बस, ठीक है, बस एक क्वेश्चन का हिंट ले लो, फिर तुम आराम से कर जाओगे, ठीक है। फिर मैं भाई बाकी के जो क्वेश्चन है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा आपको, ठीक है, हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा, या मैं बीच बीच में करवाता रहूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल आज मैं कुछ खास क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, आज एक और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देख लो, बाकी फिर बीच बीच में मैं अब ना क्या करूंगा, बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया करूंगा, तो उसमें मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा। तो चलो, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, हिंट दे रहा हूं, फिर ये आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। हिंट क्या, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाएगा, वो छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, कई बार मैंने देख भी लिया इसको। टेन पाई बाय फोर प्लस वन बाय टू कॉस इनवर्स ए अपॉन बी प्लस टेन पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स ए अपॉन बी, प्रूफ करना है 2b अपॉन a के। इससे नकली क्वेश्चन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है, बस बच्चों को गुमराह किया गया है। अरे अगर आप इसको एक ऐसी नजर से देखो कि हाँ भाई, tan a प्लस बी लग रहा है, tan a माइनस बी लग रहा है, कुछ नहीं करना यार, tan भाई अब कुछ मत करो, एक काम करो, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है ना आपको, लेट करो, जो ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा उसी को लेट कर लो, क्या x 2 वहां जाके क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ए अपॉन बी बराबर टू एक्स, कॉस वन जाके क्या बन जाएगा, ए बी बराबर कॉस टू एक्स, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई, जल्दी बता दो, हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे टेन
पाई बाय फोर प्लस, हाँ भाई टेन पाई बाय फोर प्लस, इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस, इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स। देखो टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी लग रहा है, करो टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, यही होता है फॉर्मूला, प्लस टेन ए टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, यही होता है ना फॉर्मूला। पाई बाय फोर क्या होता है, वन प्लस टेन एक्स, पाई बाय फोर क्या होता है, वन, तो ये बन गया टेन एक्स, ये क्या होगा वन माइनस टेन एक्स, ये क्या होगा वन प्लस टेन एक्स, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। जब यहां तक पहुंच चुके हो, जब यहां तक पहुंच चुके हो तो आगे क्या करना रह गया, अब आगे क्या करना रह गया, जल्दी बताओ। आगे क्या करना रह गया, मल्टीपल, आगे क्या करना रह गया भाई, मल्टीपल। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, पूरे को एक्स मान लिया यार, फिर टू बनेगा, टू कॉमन तो आएगा ही नहीं इस तरीके से। करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर भाई लेट कुछ और करना पड़ेगा। चलो पहले करके देखो, ये बनेगा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे से नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको तो पता ही है, ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला हो गया। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन टू एक्स अपॉन, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, भाई टू टेन एक्स से टू टेन गया, वन प्लस वन टू, और ये टू टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर से टू कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये एक्स, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। तो आप क्या करना है, एक काम करते हैं, ये टू है ना, अच्छा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मुझे, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन, क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, अरे यही होता है फॉर्मूला। मुझे नहीं लगता ये होता है फॉर्मूला, नहीं माइनस ऊपर होता है नीचे प्लस होता है भाई, है ना, माइनस ऊपर होता है नीचे प्लस होता है। तो अब एक काम करो, अगर मैं इसको पलट के नीचे ले आऊं, इस वाले हिस्से को पलट के नीचे ले आऊं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अगर मैं इसको पलट के नीचे ले आऊं, तो ये बनेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये पलट के नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना, सही बात है भाई, टू तो ऊपर ही है ना अपनी जगह, मैंने क्या किया इस हिस्से को पलट के नीचे ले आया। अरे देखो ना, अगर मान लो तुम्हारे पास a अपॉन b ऐसे लिखा है, तो अब क्या करते हो भाई, b को उठा के ऊपर ले जाते हो, किसको उठा के ऊपर ले जाते हो, b को उठा के ऊपर ले जाते हो, तो क्या बन जाएगा ये 2b अपॉन a। अब देखो तुम 2b अपॉन a को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2a अपॉन b, मतलब आपने क्या किया ऊपर वाले b को उठा के नीचे ले आया, तो बस वही किया मैंने, इस ऊपर वाले 1 plus tan square theta को उठा के कहां ले आया, नीचे, और अभी अभी हमें पता चला है कि 1 minus tan square x और 1 और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के। तो क्या मैं यहां पे कॉस 2 थीटा यानी कि कॉस 2 एक्स पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, जल्दी बता दो, यहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, कॉस 2 एक्स पुट कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा, और अभी अभी हमने देखा, अभी अभी हमने देखा कि कॉस 2 एक्स किसके बराबर है, ए अपॉन बी के, तो बस ए अपॉन बी, हां जी पलट दो, पलट दोगे तो 2b अपॉन ए, क्या यही प्रूफ करना है, हो गया, समझ में आई बात। तो देखो कितना नकली सा क्वेश्चन था, बस हमें, मेरे को लगा था कि भाई कहीं यहाँ पर वो लेट करने में कोई परेशानी तो नहीं की, लेकिन देखा सही था, ठीक है। तो बहुत ही आसान, इजी सिंपल क्वेश्चन थे, काफी सारे आज क्वेश्चन नए नए टाइप के कर लिए, और भी सेलेक्ट कर करके ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा मैं, बेफिक्र रहो, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन करवाता रहूंगा, और क्वेश्चन देखते रहो, मजा उठाते रहो, लुफ्त उठाते रहो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे
मिलके बात करेंगे कि क्या करना है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिफ्थ चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आज की सभा यहीं खत्म करते हैं, उतार लो।